तो गाइस बताइए कि शूज गायब होने वाले हैं। आरिश का फोन गिर चुका है कमोड में। जो हिट हुई है ना भाई, गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हिट हुई है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका नए व्लॉग में। तो आज है बारात का दिन। सॉरी कल वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि कल थोड़ा रेस्ट लिया हुआ था सबने। तो आज है बारात का दिन। आज बारात जानी है किश्तवाड़ और रास्ता बहुत ख़राब है और मौसम भी ख़राब हो चुका है। देख सकते हो आप, बादल आ चुके हैं, बादल मामा आ चुके हैं। और फिलहाल का सीन ये है कि सारे तैयार हो रहे हैं और अभी मैं नींद से उठाऊँ क्योंकि 3-4 दिन की नींद जो है वो मैंने पूरी कर दी है क्योंकि बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जो रोड है वो बहुत ख़राब है, नींद होना लाजमी है भाई, क्योंकि अगर पलके झुकी दुर्घटना घट जाती है वहाँ पे। तो भाई देख सकते हो आप, समीर भाई का ड्रेस है। पहली बार मुझे स्मार्ट लग रहे हैं जिंदगी में शादी के बाद। हिलो थोड़ा, फोटो नहीं ले रहा हूँ मैं, वीडियो ले रहा हूँ आपकी। तो गाइस देख सकते हो दूल्हे राजा हो चुके हैं तैयार। आज इनके फेस पे नूर आ रहा है कुछ। शर्मा रहे हमारे दूल्हे। कौन शर्मा रहा है? फाउंडेशन नहीं लगाता है यार। तो गाइस देख सकते हो यार, बारिश ने मजा खराब कर दिया है। कुछ में मराई वाले पतीले बहुत चाटे होंगे इसलिए बारिश पड़ रही है। बार देख सकते हो ब्रेकफास्ट चल रहा है, फैमिली ब्रेकफास्ट। ये देख सकते हो यार, लेकिन बारिश ने बहुत मजा खराब कर दिया। और ये हमारे इरफान साहब, नागिन भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। चुटिया बाबा तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो भाई तैयार होने के लिए हम आए थे लेकिन बाहर का मौसम कुछ ज्यादा खराब हो गया। बारिश पड़ रही है जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है। नबील क्या बोलना चाहोगे आप? क्या बोलूँ यार, फिर भी बारिश ने मज़ा ही ख़राब कर दी सर। अब क्या पता बारात जा पाए तो उसी की नहीं जा पाए, क्या पता, क्या पता। बारात तो जा पाएगी भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बारात कोई जा पाएगी। आरिश आप क्या बोलोगे, मतलब कुछ बारिश ने मज़ा ख़राब किया है या मज़ा बढ़ा दिया है आपको? मज़ा सूट ने ख़राब किया है इसकी। और हाँ यार, एक अपडेट और देना भूल गया मैं आपको, आरिश भाई का जो सूट था वो बेचारा, उसको जो इस्त्री नहीं हुई थी इस्त्री, तो इस्त्री के लिए वो चले गया ऊपर नीचे। बारात सारी रेडी हो चुकी है, खास आरिश भाई के लिए रुकी हुई है अभी, तो वो आएगी फिर मैं और आरिश भाई तैयार होंगे फिर जाएंगे नीचे, तो फिर वहाँ से बारात निकलेगी। और यहाँ की शादी दूल्हे पर डिपेंड नहीं है, यहाँ की शादी आरिश भाई पर डिपेंड है। देख सकते हो सिस्टम है, रोल आया ये भाई का, ठीक बोल रहा हो ना? चल मिलते हैं तैयार होके फिर। तो गाइज हो चुके हैं हम तैयार, बहुत मुश्किलों के बाद, तो फिर भी अभी तक बारात नहीं निकली है। क्यों नहीं निकली है? क्योंकि बारिश की वजह से, बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही है और लोग केला खा रहे हैं। शादियों में भी केला खाते हैं लोग, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बारिश के रुकने का वेट करेंगे। बारात सारी टेंट पर रुकी है, हम ऊपर वेट कर रहे हैं, आरिश का वो तैयार हो रहा है, तो उसके बाद फिर देखते हैं आगे का सीन क्या रहता है। तो गाइस बारात निकलने वाली है, देख सकते हो सारे रेडी हो गए हैं, दूल्हे भी रेडी हो गया, दूल्हा भी रेडी हो गया। तो गाइस मौसम देखो यार कैसा हो रखा है, सारी बारात बारिश की वजह से खराब हो गई है यार। और लेटेस्ट न्यूज कि समीर भाई अभी बारिश में नीचे गिर चुके हैं, वो नहीं आएगा, नहीं हुआ है। तो गाइस ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे बारिश क्या चील बोल रहा है, तो आप ये देख सकते हो बराती देख सकते हो, बराती बिना 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 धूप के ऐनक डालिए बराती, उन्हें देख सकते हो आप। और बंदे बड़े हैं, देखते हैं कौन कौन बारिश से बच पाएगा। बतोगे नहीं बतोगे, बतोगे ये देख सकते हो। समीर भाई, ओ समीर भाई, समीर गिरा इधर, पता है समीर भाई, मैं सुना आप गिर गए हो, कैसे, कितनी एक टूटी हड्डी? टोटल 6, ठीक है।
और ये देख सकते हो कुकू भी हैवी ड्राइवर, पहले ही गाड़ी में बैठ गए। पीछे बाजू कर दूंगा फोटोग्राफी हो रही है, सही बात है, कोई बात। तो गाइस निकल चुके हैं हम, सबका सदका निकाल देंगे। आओ माथे चिपकाओ, माथे चिपकाओ जी, चुटिया बाबा समीर भाई माथे चिपकाओ। नबील के लगाया? हाँ नबील के लगा। तो गाइज अभी हम निकल चुके हैं बारात के लिए, गाड़ी में बैठ गए, लेकिन फिर भी अभी आरिफ भाई का वेट कर रहे, तो देखते हैं आगे क्या सीन रहता है। ओके बाय। तो गाइज बारात यार गिर गया, रुकना दो मिनट। तो गाइज बारात आगे निकल गई है, मैं समीर भाई, इखलाक भाई, नबील भाई रुके हैं, आरिश का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो उसका सूट है वो अभी तक प्रेस नहीं हुआ है, अभी ऊपर मार्केट से नीचे आ रहा है। तो हमने ये डिसाइड किया है, आरिश को बोला कि अपने बाल वाल सेट करके आ जा, तो ऊपर ही शामुन भाई के होटल पे, वहाँ पे हमारा एक कजन है शामुन भाई, वहाँ पे उसका जो होटल है वहाँ पे तैयार हो जाएगा, वहीं पे अपना सूट वगैरह डालेगा, तो वहीं से हम फिर निकल जाएंगे, क्योंकि लेट बहुत ज्यादा हो गया, बारिश भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो फिलहाल कुछ नहीं है भाई, क्या सीन रहता है, और मसला बन चुका है यहाँ पे बारात में, मसले ही मसले बन रहे हैं। हमारे साथ जो चुटिया बाबा इखलाक भाई था उसका पेट खराब हो गया, दोबारा अंदर चले गए, फिर से बारात रुक गई। तो गाइस फाइनली हम निकल रहे हैं, बाय गाइस बाय। तो गाइस फाइनली हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, हम सारे भाई ओ तरबो निकल रहे हैं ऊपर बाजार के लिए, वहाँ पे आरिश भाई ने रेडी होना है, तो फिर हम निकलेंगे वहाँ से। तो गाइस आप चेक कर सकते हो ये आरिश भाई का कोट है, तो यहाँ से आप गेस कर सकते हो कि आरिश भाई का साइज क्या आता है। तो ये कम से कम 56 साइज के नहीं, बेसिकली ये गेनिंग पे अभी ये वेट लिफ्टिंग शुरू करने वाले हैं, ये मोटे नहीं है। तो ये आरिश भाई हो चुके हैं तैयार, अब कर तू यार कोई पार्टी ज्वाइन कर, तेरे कसम हम तेरे साथ। कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी। कोई भी कर लगी कसम पार्टी ज्वाइन कर, अपनी अपना कुंडा पार्टी रखो इसकी, मोटा भाई पार्टी, मोटा भाई पार्टी, मोटा भाई पार्टी, कोई भी यार तू बीजेपी ज्वाइन कर। छुट्टियां हरीश, मैं कोट उतारू एक मिनट। तो गाइस दुआ हमने पढ़ ली है, तो आप निकल चुके हैं फाइनली यहां से, साली बैठने भी चाहिए तुम्हें। इखलाक भाई को रोना आ रहा है पता नहीं क्यों, तो रखेगा खराब हो जाएगा। तो आरिश भाई को भी प्रॉब्लम आ रही है काफी बैठने की, और मैंने डिक्की में रखा है अपने फैला के कुछ नहीं। तो फाइनली हम निकल चुके हैं गाइस यहां से, तो लेकिन नबील भाई ने फिर से गाड़ी बंद कर दी पता नहीं क्यों, रुक गया दुलाई पीछे रुक गया। तो हमें क्या करना है दुलाई को? मुझे लगता है हिसाब से ये पहुंचेंगे टाइम पे। तो देखते हैं गाइस आगे का सीन क्या रहता है यार, मुझे बोलता था सुबह 8 बजे जाना है, मैं 8 बजे रहा हूं बैठा हूं, मैंने कहा अगर 10 बजे से पहले आप निकल जाओगे तब बोलना। तो फिलहाल देखो यार बारिश भी पड़ रही है, 11 बज गया, पता नहीं कब पहुंचना है कब नहीं, देखते हैं आगे। एक और मसला फिर से हो गया, आरिश के शूज गुची वाले फिर से खराब हो चुके हैं, तू कोई मसला ही मसला है यार, कोई बड़ी जिसमें तू कंफर्टेबल होगा यार, हम भी तेरे साथ यार। मैंने ये बोला कि पर्सनालिटी हमारी इन गाड़ियों के लिए नहीं बनी है, गाड़ी चाहिए कोई पैंच ऊंची से फॉर पे से उतर। तो गाइस हमारी जिंदगी में इतने झोल, इतने मसले, इतने इशू हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। शायद जो हमारा दूल्हा उसने कर्म बहुत अच्छे किए हैं, कभी बारिश आए दूल्हे ने मलाई वाले पतीले बहुत चाटे, दूल्हे ने मलाई वाले पतीले बहुत चाटे था, उसकी बारात वाले दिन बारिश पड़ रही है, दूल्हे ने उसमें चाटे हैं क्या, इसको कुछ भी खाने को मिलता था ना कहीं भी तुम्हारा चाटता था ये। अच्छा आप इस बात में सार्केज्म क्यों है यार, हफीज भी क्यों उतर वेट कर रहा है यार। तो गाइस ये साउथ का हीरो और ये साउथ का विलन, मेन रोल देता हूं इसको मैं, मेरी स्नैप में तो भेजी किसी को तो ना, क्यों नजर लग जाएगी आपको, आरजी विलन आगे बैठा, मेरी स्नैप में भेजी आपको किसी को, ओ क्या लग रहा है। तो गाइस बच्चा चल रहा है, इसको सफर में चाकू पाई ले चिप्स वगैरह लेना पड़ते हैं। तो गाइस हमने रास्ते के लिए सामान ले लिया, देख सकते हो आप, आपको पता है यार छोटा ही बच्चा हूँ अभी, मेरे को टेंशन नहीं उसकी यार, नहीं यार सुबह से कुछ खाया नहीं था तभी ये सामान ले लिया है। ठीक है तो गाइस अभी हम कुछ ऐसी लोकेशन पे पहुंच गए, मैं बीच में बैठता हूँ यार, नहीं बीच में मेरा मन खराब हो रहा है, इसका मन खराब हो रहा है, ये कहीं लेने के लायक नहीं है ये लोग, इनका मन खराब हो जाता है गाड़ी में। ब्रेक मारे
अचानक ब्रेक मारने से हमेशा आदमी आगे जाता है। हम इनके पीछे थे, बस इतनी सी बात है, हमने हमारी गाड़ी को भी आवाज आई, हमने सोचा गाड़ी बच गई। तो गाइस थोड़ा मसला हो गया था, मसले होते रहते हैं मेरी जिंदगी में, और मसले लाओ नहीं। चलो कोई नहीं, कुछ हो गया था, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हमने सोचा हो गया कांड, हम भी उतर गए थे, शर्टे शूटे खोल मार दिए यार, दो तीन बंदे मार दिए, दो तीन बंदे खा दिए आरिश ने। एक ही जगह आ रहा है, हेलो समीर भाई, तो ऑटो कंट्रोल हो गए थे, मैंने पकड़ के लाया बस। भाई कैसा मजा है, मजा आ रहा है? रोड चेक करो यार ऑफ रोडिंग हो रही है 20 पे आज यार, ऑफ रोडिंग हो रही है। नबील की गाड़ी ने आज तक नहीं किया। नबील बोल रहा था यार गलती कर दी, गाड़ी लग गई। रोड देखो यार, रोड देखो, गाड़ी रुकी ना। गाइस ये देख सकते हो आप, आरिश भाई उतर गए हमारे, ये देख सकते हो आप, इनका आउटफिट चेक करो। और यहाँ पे हम रुक चुके हैं, हमारी गाड़ियाँ रुक चुकी है डोडा सिटी के बाहर। तो फिलहाल यहाँ पे मौसम तो साफ हो गया है और बारिश भी नहीं पड़ रही है। अब यहाँ पे सुना है कि यहाँ से आगे रोड खराब है ना भाई, यहाँ से आगे रोड खराब है हमारा। और यहाँ पे हमारी सिस्टर क्या बोल रही है, सिस्टर? हाँ जी सिस्टर, सरदर्द की टैबलेट, कोई बात नहीं ले लेंगे। ये हमारे शामुन भाई, नीरू भाभी, मजा आ रहा है? अब यहाँ से आगे मजा आएगा बहुत। तो गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं हम डोडा, यहाँ पे हम गाड़ी में तेल डला रहे हैं। ये हमारे आरिश भाई। तो अभी तक तो रोड बिल्कुल साफ था, थोड़ा ही ख़राब था, और बारिश भी रुक गई है, मौसम भी साफ हो रहा है। और लेकिन पता चला है यहाँ से पीछे ना रोड ख़राब है। तो चलो कोई बात नहीं, मज़ा भी आएगा, ऑफ रोड भी हो जाएगा थोड़ा सा, और मज़ा भी कर लेंगे। और ये डोडा सिटी यहाँ से ऊपर, ये सारी डोडा सिटी है। समीर भाई ज़रा साइड पे आओ, एक बात मुझे बतानी थी समीर भाई को, जो मैं लोगों के सामने नहीं बता पा रहा था। समीर भाई आपकी ना जिद खुली है यार, बंद कर दो। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं ब्लेसा के नीचे, भैरव सिंह का वेट कर रहे हैं। और वेट करते करते एक चैलेंज दे दिया समीर भाई ने, समीर भाई को दिखाओ। समीर भाई ने चैलेंज दे दिया मेरे को, क्या चैलेंज है समीर भाई बताओ? दरिया के उस पार ये पत्थर पहुंच जाएगा, उसको 5,000 रुपए कैश दिया जाएगा। 5,000 के लिए मैंने ये पत्थर चूज किया, मैं उस पार पहुंचाऊंगा, देखो आप थोड़ा। और वो देखो दूल्हे साहब भी उतर गए गाड़ी से, ये देखो दूल्हे साहब। और कुछ ऐसी लोकेशन पे पहुंच गए हम, ये रिवर चिनाब जो सीधा पाकिस्तान जाती है। तो गाइज ये बारात की गाड़ी है, ये भी अब निकल रही है यहाँ से, ये दूल्हा। तो गाइज यार रोड चेक करो भाई, बहुत अच्छा रोड है ये, अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है? सेंटर में परसेंट से ब्लॉक से बन रहा है यार, ये देखो यार। ये देखो जनाब, ये हाईवे है हमारा, देखो समीर भैया की गप सुना ना, क्या बोलता था, मरता तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं किश्तवाड़ से, थोड़ा ही दूर है कांदनी एक जगह है। तो अभी हम गाड़ी वॉश करेंगे, आप देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो, लेकिन नबील भाई डर चुके हैं, निकाल दी गाड़ी से। गाड़ियां चेक करो यार, जैसे ऑफ रोड करके आए हैं, हाल है देखो गाड़ी। बहुत मजा आ रहा है लेकिन गाइस आप कितना खा के आए। तो गाइस दूल्हा यहां पे किश्तवाड़ में पहुंच गया है, चलो यहां से ऊपर पहले ज्यारत पे जाएंगे सलाम करने के लिए। तो गाइस ये देखिए किश्तवाड़ की शान ज्यारत, ये सारा किश्तवाड़। आरिश आरिश
तो गई सलाम वगैरह कर दी आपने मस्जिद में, तो यहाँ से आप जाएंगे सीधा डायरेक्ट भाभी के घर। वहाँ पे बैठ के भूख लगी है यार बहुत ज़्यादा, तो खाना खाएंगे, थोड़ा रस्में वगैरह वो पूरी करके फिर डायरेक्ट बटोत के लिए निकलेंगे। तो गाइज मुसीबतों का घर, इसको बोल तो अभी अभी यहाँ पे आरिश का फोन गिर चुका है कमोड में, जेब में झूठ बोल रहा है। तो आरिश का फोन गिर चुका था, अंदरूनी खबर है भाई, आरिश का फोन कमोड में गिर चुका था और इसने हाथ डाल के दोबारा वापस निकाल दिया। तो हाथ जब डाला आपने कमोड में तो फोन के अलावा क्या क्या हाथ में आया आपके? भाई इधर आना, मैं सुनाता हूँ क्या हुआ। आरिश गया था बाथरूम, तो वहां पे ना उसका फोन गिर गया कमोड में। ये क्या बोल रहे हो? और क्या भाई, तो फिर बोलता फोन तो निकाल दिया मैंने लेकिन पहली बार कुछ येलो येलो चीज हाथ में आई। वो क्या थी? हाथ से निकाला। गाइस कैप्स देखो यार कितनी प्यारी, जरा लगाओ चुटिया बाबा। ओ यार हिमाचली बाबू देखना पूरा ड्रेस आप देखना। तो गाइस ये है ब्यूटी किश्तवाड़ की यार, ये खूबियां तो है ना रही। नहीं, ये खूबियां भी जो इससे बोली है वो क्या खूबी, क्या मतलब है इसके नाम का? नेक इंसाफ सुलह करने वाला इंसान आरिश का मतलब ही है, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है इसका नाम आरिश नहीं है, इसका नाम हिदायतुल्ला है। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम किश्तवाड़, अभी भाभी के घर जा रहे हैं और ये मूसा भाई है, हाय बोलो। बाय। तो गाइज ये जो शूज है इनकी भी रखवाली हमें करना है क्योंकि उड़ती उड़ती खबर आई है कि शूज गायब होने वाले हैं। क्या भाई? बिल्कुल। और एक बात मैं भी बता दूं, आज तक हम कभी इस चीज में हारे नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है हमारा, क्रिमिनल रिकॉर्ड। लेने में है तो देने में नहीं, लेने में है देने में नहीं है। तो गाइज अभी निकाह का टाइम है तभी मैं आराम से बोल रहा हूँ। तो ये निकाह ऐसे देखिए, जिसको पता नहीं हो, जो मुसलमान भाई है उनको तो पता ही होगा, जो बाकी हैं वो देखिए। तो गाइज किश्तवाड़ पहुँच गए थे हम भाभी के घर पे और खाना भी खा लिया था, ये देख सकते हो पेट कितना निकल रहा है। तो खाना खा लिया था तो भाभी के घर के छत पे उनके भाई ने बोला, आबिन नाम है इनका, इन्होंने बोला कि ऊपर बहुत ज़बरदस्त व्यू है और आप व्यू चेक करो यार, पूरा किश्तवाड़ दिखता है। और ये जो झूला है यहाँ पे ये देखो, चार चांद बना रहा है भाई। अब यहाँ से निकलेंगे जाएंगे बटोत, अगर ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं है, तो अब सीधा पहुँच के आपसे मिलूँगा। तो अगर बीच में कुछ इम्पोर्टेंट हुआ या मज़े वाला सीन हुआ तो कुछ वो भी बता दूँगा। तो गाइस फ़िलहाल अभी हम हैं पुलिस पोस्ट में, तो रास्ते में यूँ हुआ कि जीजे की जो गाड़ी थी वो ठोक दी किसी ट्रक वाले ने, तो उन्होंने उनके साथ बदतमीजी कर दी। तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे हैं थाने में, चिनैनी थाने में, तो मसला सॉर्ट नहीं हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया है और भाभी जो है वो घर पे पहुँच भी गई है। चलो देखते हैं आगे का मसला क्या रहता है क्या नहीं, देखते हैं अंदर जाके, अगर थोड़ी सी क्लिप मिली तो डाल दूँगा। लेकिन गाड़ी जो हिट हुई है ना भाई, गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हिट हुई है। ये कोई मानने को तैयार ही नहीं, कहता ये मेरी 18 साल हो गए यहाँ चलते हुए, मैंने आज तक ऐसा किया ही नहीं। तो गाइज अभी हमें एक पोस्ट का नहीं लेना ये। तो गाइज अभी हमें यहाँ पे थाने में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली है। अभी हम चिनैनी थाने में हैं और जो ये बिल्डिंग आप पीछे देख रहे हो, ये बिल्डिंग जो यहाँ का राजा था, ये जेल उसने बनाया था, ये तब का जेल है। तो ये आज इन्होंने यहाँ पे पुलिस पोस्ट बनाई है और ये जेल तब का है, ये देखिए आप। भाई चेक करो यार, आज मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही है, थाने से आके यहाँ पे इतना जाम लग गया है। ये देखो नासी टनल के अंदर है अभी हम, ये देखो कितना जाम लगा है और यहाँ पे किसी को अलाउड ही नहीं है चलने के लिए, लेकिन हम फिर भी चल रहे हैं। अगर किसी ने देखा तो खैर नहीं, घर यार घर पहुँच के करेंगे बात। ये देखो यार